for all the new stuff. Click on this bell icon and make sure you never miss a video from ScoopWhoop. हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। डांट खाने के लिए एक दबाएं, कुकिंग डिजास्टर्स के लिए दो दबाएं, फालतू की देसी मॉम हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए शुक्रिया। बताइए, आज आपने क्या गुल खिलाए हैं? अरे माँ, यार राजमा आज फिर नहीं गले यार। प्लीज एक बार रेसिपी बता दो प्लीज। रेसिपी बताने से पहले हम आपको ये याद दिला दे कि आप 25 साल के घोड़े हो गए हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले भी 3 बार दी जा चुकी है। अरे माँ बताओ ना प्लीज। जैसा हम देख पा रहे हैं, बचपन में आपको बादाम खिलाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो दोबारा आप ये इन्फॉर्मेशन भूल ना जाए इसलिए हमारी तरफ से एक डिटेल रेसिपी आपको व्हाट्सएप की जा रही है। कृपया क्रो अप। मम्मा, क्या मैं इस वीकेंड अपने दोस्तों के साथ गोवा जा सकती हूँ? प्लीज 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 प्लीज। आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले, क्या मैं आपका बैंक बैलेंस जान सकती हूँ? बस अभी आने वाली है मेरी सैलरी, लाइक कुछ दिनों में। माफ कीजिए, क्या मैं आपका बैंक बैलेंस जान सकती हूँ? 2000। आशा है आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल चुका होगा। देसी मॉम हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ रहे। आपकी आवाज सुनकर लग रहा है कि आज आपका प्रॉब्लम कुछ सीरियस है। अरे नहीं, बस आपसे बात करने का मन था। आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन और अंदाज से लग रहा है कि आपका दोबारा ब्रेकअप हुआ है। मैं आपका कॉल हमारे मूव ऑन डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, जहाँ आपके लफंटर दोस्त आपका मूड सेट कर देंगे। टेंशन लेने की कोई बात नहीं। वैसे पम्पी आंटी ने एक लड़की की तस्वीर भेजी है, इंटरेस्टेड हो तो मैं। क्या यार माँ, आप भी बाय। हमारे सभी एग्जीक्यूटिव्स अन्य नालायक बच्चों की मदद करने में व्यस्त हैं, कृपया लाइन पर बने रहें। उसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं, खुद से तो कुछ करना आता है नहीं। मम्मा, कल मेरा फेयरवेल और मुझे ना ये साड़ी नहीं पहनी जा रही। माफ कीजिए, फिलहाल मैं किसी भी प्रकार से आपकी सहायता नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज लास्ट मिनट करने वाले बच्चे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या किया मैंने लास्ट मिनट? हमारे डेटाबेस के हिसाब से पिछली दिवाली की टिकटें आपने लास्ट मिनट बुक कराई थी, कॉलेज की फीस भी आपने लास्ट मिनट ही पे की थी लेट फीस के साथ, ऑफिस भी आप हर रोज लास्ट मिनट ही पहुंचती है, और पैदा होते टाइम भी आप... अच्छा अच्छा, अब मुझे प्लीज बताओ ना ये साड़ी कैसे पहननी है। हेलो हाँ माँ, मैं फ्लिपकार्ट चेक कर रहा था, वॉशिंग मशीन कौन सी लूँ, फ्रंट लोड या टॉप लोड? मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वॉशिंग मशीन जैसी चीज ऑनलाइन लेना मतलब पैसे फूकने के बराबर है। अगर 2-4 स्टोर्स के चक्कर काट ले तो आपके जूते घिस नहीं जाएंगे। अरे माँ, सब कुछ तो ऑनलाइन लेते हैं, वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है? टाइम पे डिलीवरी होगी और वो खुद लगा के जाएंगे। माफ कीजिए, लेकिन रास्ते में अगर मशीन टूट गई तो? नहीं टूटेगी माँ, और अगर टूट भी गई तो वो रिप्लेस करके देंगे, आप टेंशन मत लो। लगता है आज आप झाड़ खा कर ही मानेंगे। क्या मैं आपका कॉल होल्ड पर रख सकती हूँ? अजी सुनिए, ये ऋषभ ऑनलाइन वॉशिंग मशीन लेने की बात कर रहा है, जरा समझाओ ना उसको। हाँ भेजा उसने मुझे लिंक, सब सही है और गारंटी भी डबल है, ब्रांड की भी और फ्लिपकार्ट की भी, तुम टेंशन मत लो, ले लेते हैं। कॉल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हमने आपकी क्वेरी हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की थी, जहाँ से हमें ये सुझाव मिला है कि आपके लिए फ्रंट लोडिंग मशीन ही बेहतर रहेगी, कपड़े धोने के बहाने आपका वर्कआउट भी हो जाएगा, वैसे तो आप कुछ करते हैं नहीं। क्या यार मम्मी, बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक आदर्श बच्चे की तरह अपनी एवर डिपेंडेबल मम्मी को टैग करना ना भूलें।
क्योंकि उनके बिना आपका तो कुछ हो ही नहीं सकता। और आपके टीवी और अन्य अप्लायंसेस की शॉपिंग फ्लिपकार्ट डिपेंडेबल स्टोर से ही करें, क्योंकि वो देसी मॉम अप्रूव्ड है। आशा करती हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मुझे आपको बोलना नहीं पड़ेगा।